पी न्यूज में आपको स्वागत है। मैं हूं कृष्ण कुमार संजय। बिहार पुलिस ने एक नाबालिग बच्चे के अपहरण का किया खुलासा। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र से एक नाबालिग बच्चे के अपहरण किए जाने के मामले में बिहार पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार करते हुए बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है, जिसकी पुष्टि मुजफ्फरपुर के पुलिस उपाधीक्षक पश्चिमी फर्स्ट के अभिषेक आनंद ने किया है। यह न्यूज अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कल दिनांक 11/7/2024 को पश्चिमी अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत कांटी थाना में लगभग रात को एक लक्ष्मी शाह जी हैं, जो कि वहां दामोदरपुर के रहने वाले हैं, उनके द्वारा एक थाना को सूचना दी गई, एक कंप्लेंट किया गया कि उनका 11 वर्षीय पुत्र प्रियांशु राज उसको एक कुछ लोगों के द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया। इस बात की सूचना मिलने के तुरंत बाद ही थानेदार कांटी ने अपनी टीम के साथ एक जो संदिग्ध नंबर, जिस नंबर से इस बच्चे के पिताजी को फोन आया था कि आपके बच्चे को अपहरण कर लिया गया, उस नंबर पर वर्क किया गया। उसका तकनीकी और मानवीय साक्ष्य संकलन करते हुए उस नंबर के को खोजा गया, उस नंबर के धारक को खोजा गया और उसके बाद कांटी थाना की जो टीम बनाई गई थी, उस टीम ने गाय घाट के पास से एक महिला उसके पिता को धमकी दे रही थी, वो महिला और उस महिला को एक मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया और उसके दो साथी जो थे वो भागने में फरार रहे भाग गए। उसके बाद उस महिला को पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई और तब उसके निशानदेही पे वो जो बच्चा का अपहरण हो गया था, जो भुला गया था, उस बच्चे को गनीपुर के एक हॉस्टल में रखा गया था। उस हॉस्टल से उस बच्चे को सक्सेसफुली रिकवर कर लिया गया। इन सब चीजों के होने के बाद जब और इसमें विस्तार से पूछताछ की गई और डिटेल पता किया गया तो पता चला कि वो बच्चा जो है एक हॉस्टल में पहले रह के पढ़ाई करता था, 11 वर्षीय बच्चा जो है, बाद में किसी कारणवश आर्थिक स्थिति के वश उसे उस हॉस्टल से उसके पिताजी अपने घर वापस लेते गए थे, जो कि दामोदरपुर के रहने वाले हैं। वहीं का कुछ इशू था जिसके बाद उसी हॉस्टल का जो ये हॉस्टल है उसको, जो हॉस्टल चलाने वाली महिला और उसके साथी के द्वारा इस बच्चे का अपहरण किया गया था और कांटी थाना के द्वारा जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए अप्रिय घटना को होने से रोका गया। क्या मोटिव था इनका मोटिव क्या था सर? नहीं, ऐसे कुछ इनका कुछ लेन देन का कुछ पैसे का कुछ बकाया था जो कि बताया गया था। हाँ, कुछ हॉस्टल का कुछ था जो ऐसा जैसा बताया गया था। बाकी इसमें और जांच अभी की जा रही है, बट बच्चे को सक्सेसफुली रिकवर किया गया और वो जो महिला है वो पकड़ा गई और उसके साथ जो मोबाइल प्रयुक्त किया जा रहा था वो मोबाइल भी मिल गया और जो उसके साथ जो लोग इन्वॉल्व थे वो अभी फरार है, उनको पकड़ा गया। महिला का अकाउंट भी मांगा गया था इसमें? नहीं, ऐसा कुछ अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन यह है कि उसे धमकी दी गई थी कि अगर आपको अपने बच्चे को देखना है तो कुछ ऐसी इस तरह का धमकी दिया गया था, जिसके ऊपर थाना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सबसे पहले हमने बच्चे की रिकवरी की और उसके बाद अभी जो आगे और पूछताछ होगी और डिटेल्स आएगा उसके हिसाब से काम करेंगे। महिला का पहले भी कुछ क्या उद्देश्य? नहीं, अभी तक तो कुछ मिला नहीं, बाकी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, कुछ पता चलेगा तो। नहीं, अभी ऐसा कुछ क्लियर नहीं आया है। उद्देश्य अभी तक यही समझ में आ रहा है कि कुछ पुरानी रंजिश होगी जो जिस हॉस्टल में रहती थी उसके मालिक के द्वारा, या फिर यहाँ पे कुछ